बाबा बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। व्यर्थ चिंता मत कीजिए, मेरे मरने के बाद ये 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी तुझे ही संभालनी है। पिताजी आप एक बार मरकर तो दिखाओ, फिर देखना। तू मुझे इतनी जल्दी क्यों मारना चाहता है? अभी तो मुझे जीवन में बहुत आनंद लेना है। तो पिताजी आपने कहा था कि मैं एक टेस्ट में पास हो गया तो आप मुझे उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। हाँ बेटा, अभी एक अत्यंत दुखी कन्या आने वाली, उसके दुखों का निवारण करने पर तेरा रिजल्ट का पता चल जाएगा। कब आएगी पिताजी? जल्दी ही आएगी पुत्र। तुम्हें क्या दुख है? हम तुम्हारी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे कन्या। मैं तुम्हारी मदद, तुम्हें मां बना। नहीं बेटा, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं और इस चीज का मुझे तुमसे कई गुना ज्यादा अनुभव है। हम तुम्हें संतान सुख देंगे कन्या। पिताजी मैं एक दिन में 5 लीटर दूध, व्यायाम, योग सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं इतना बलवान। बच्चे मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा बलवान हूँ। मूर्ख, मैंने तुझे पैदा किया है। मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा व्यायाम करता हूँ। मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा दूध पीता हूँ और मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा फल खाता हूँ। आपको लगता नहीं कि मैं बलवान हूँ? मैं तुझसे ज्यादा बलवान हूँ। आपने कहा था मुझे कि एक टेस्ट में पास हो गया तो आप मुझे उत्तराधिकारी बना देंगे। लेकिन ये मेरी मर्जी है, मैं तुझे टेस्ट करने दूँ या ना करने दूँ, पहले टेस्ट मैं करूँगा। पिताजी मेरे पास 6 पैक है। मेरे पास 1 पैक है। पिताजी मैं 100 बार दंड पहनता हूँ। मैं 200 बार दंड पहनता हूँ। मैं 500 बार, मैं 1000 बार। और आप इतने बलवान तो दिखते ही नहीं। क्या नहीं दिखता हूँ? तुम अपने को देखो और मेरी कद काठी को देखो। मोटे हो रहे हो आप, देखो पेट निकल रहा है। और मुझे देखो सिर। चुप रहो पुत्र। आप चुप रहिए। तुम चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आप चुप रहिए। तुम मेरे पुत्र हो, मेरा आदेश मानो। यू शट अप। यू शट अप। यू शट अप माय सन। रुकिए। असली मर्द तो कौन है तो तभी पता चलेगा जब आप दोनों से जो बस नहीं होगा। अवश्य अभी लो कन्या। ये है मेरी बॉडी, मेरी देख। मैंने तो देखा लेकिन साथ साथ आपकी नंगी तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। वो कैसे? कैसे वो ऐसे कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने वहां पर अरे धोखा देख रहे हैं कि जो साधु महाराज है जो मासूम लड़कियों को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, किस तरीके से उनको अपने जाल में फंसाते हैं। आज मैंने इन साधु महाराज जो पर्दे के पीछे काली करतूत कर रहे हैं उनका मैंने खिलाफ